दोस्तों, आज मैं स्किन शाइन क्रीम का रिव्यू लेके आया हूँ। ये स्किन जो शाइन क्रीम है वो ज़्यादातर लोगों को साइड इफ़ेक्ट शो करती है। मेरा कहना तो ये है कि आपको अगर ये फेस पे अच्छा इफ़ेक्ट दिखा रही है तो ही इसे यूज़ करें, निवरना ना करें। देखिए, इसमें हाइड्रोक्विनोन, ट्रेटिनोइन एंड मेमिटासोन फ्यूरेट क्रीम, मतलब इसमें हाइड्रोक्विनोन की मात्रा ज़्यादा बढ़ी हुई है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, इस पर कंपोजिशन होंगे, ये रहा हाइड्रोक्विनोन, इस पर है 0.025 वेट बाई वॉल्यूम। तो ये ज़्यादा होने की वजह से आपके जो स्किन की मेलानिन पिगमेंट होती है उसे कम कर देता है और आपकी स्किन की लेयर को बिल्कुल डैमेज करके और बिल्कुल ख़राब करके उसे लेयर को बेकार कर देता है, जिससे जो लेयर आती है उस पर फोड़े फुंसियाँ ज़्यादा होने लगती हैं। लोग कहते हैं कि ये बाद में वैसे होता है, ये ऐसे होता है, ये इस क्रीम की वजह से ही होता है दोस्तों, क्योंकि हम अंदर से गोरे थोड़ी ना होते हैं। जैसा आपका फेस है आप वैसे ही रहेंगे। बस आप इसके लिए फेयर क्रीम यूज़ कर सकते हैं, ना कि नाइट वाइट या हाइड्रोक्विनोन वगैरह वाली क्रीम यूज़ करें, और ऐसे डॉक्टर के ही प्रिस्क्रिप्शन पर यूज़ करें अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो आपको स्किन रिगार्डिंग। बाकी ऐसा इसमें कुछ है नहीं है। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि ये आप इसे इस्तेमाल ही ना करें। ये 15 ग्राम की देख सकते हैं ये आती है, मैं अंदर से दिखा देता हूँ दोस्तों। ये कैंडिडा से फार्मास्यूटिकल्स से बनी हुई है। प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसे यूज़ करने का भी तरीका होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे गोरा होने के चक्कर में सुबह शाम लगाते हैं, इसे नाइट में लगाइए। अगर आपके फोड़े फुंसी वगैरह हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इसे नाइट में यूज़ करें और इसे फिर गैपिंग देने लग जाएं, जैसे कि 2 दिन बाद फिर लगाने लगे, फिर ऐसे लगाएं तो ये आपका रिज़ल्ट बेटर शो करेगी, नहीं वरना आपके चेहरे की लेयर को ख़राब कर देगी। तो दोस्तों, ये है स्किन शाइन, और इसके प्राइस की बात करें तो ये देख ही सकते हैं आप, इसका प्राइस 145, ये कुछ ज़्यादा आता है, लेकिन ये आपको मिल जाती है 60-50 रुपये तक की। और देख सकते हैं ये दोस्तों, ये सील पैक है। तो दोस्तों, मैं तो सजेशन दूंगा कि आप इसका इस्तेमाल ही ना करें, और अगर कर रहे हैं तो इसका इस्तेमाल थोड़ा कम ही करें, इसे गैपिंग देने लग जाए, जैसे ही आपकी लेयर वेयर ठीक होने पे आ जाए इसे छोड़ दें। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।